ये दोनों पार्टियां कांग्रेस और एनसी, मैं आज उनको पूछने आया हूं, 35 साल आपने राज किया, दहशतगर्दी बढ़ी, 40,000 लोग मारे गए, 3,000 दिन जम्मू कश्मीर बंद रहा, जम्मू कश्मीर 8 साल तक अंधकार में डूबा रहा, इसके जिम्मेदार आप, आज नरेंद्र मोदी सरकार, फारूक अब्दुल्ला साहब यहां आकर थोड़ा डर पैदा कर रहे हैं कि दहशतगर्दी जम्मू के क्षेत्र में पूंछ, रजौरी, डोडा में भी आएगी, पहाड़ियों पर आएगी। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, किसी की हिम्मत नहीं है ये हरी भरी पहाड़ियों में दहशतगर्दी, टेररिज्म लाने की, हम इसको समाप्त कर देंगे। भाइयों, आप मेरे पर विश्वास रखें। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के युवाओं के 8 साल बर्बाद किए हैं, जम्मू कश्मीर के विकास के 35 साल बर्बाद किए हैं, और लाखों करोड़ों रुपया खर्च जो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए खर्च करना चाहिए था वो दहशतगर्दी के सामने लड़ने के लिए किया है। और मैं आज कहना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला जी, आप गुर्जर बकरवाल भाइयों को उकसाइए मत, गुर्जर बकरवालों को भी चिंता करने का कोई कारण नहीं है, मोदी जी की झोली और दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। पहाड़ियों तो दिया ही, मगर गुर्जर बकरवाल का भी नहीं काटा है, आपका रिजर्वेशन जस का टस रहकर हमने पहाड़ियों को देने का काम किया है, ये मोदी जी है जो कर सकते हैं। भाइयों बहनों, ये लोग एनसी कांग्रेस आपका रिजर्वेशन समाप्त करना चाहती, मुझे बताइए आप लोग एक आवाज से रिजर्वेशन क्या जाने देंगे आप? जोर से बोलिए, जाने देंगे? रिजर्वेशन हमारा अधिकार है, एनसी कांग्रेस को छीनने देंगे? और आगे तय कर रखिए, ये रिजर्वेशन से कुछ नहीं होता, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन प्राप्त कर जम्मू कश्मीर में हमारा चीफ सेक्रेटरी बनाना है, ये बात आप तय कर रखिए, तय कर रखिए। भाइयों बहनों, कांग्रेस के पूर्व गृहमंत्री जी ने बयान दिया कि मैं गृहमंत्री था भारत का, शिंदे साहब ने, तब मुझे लाल चौक में जाते हुए डर लगता था। शिंदे साहब, वो तो कांग्रेस की सरकार थी, आज लाल चौक में पोते पोतियों को लेकर सादी गाड़ी में घूम लीजिए, वहां कुछ नहीं होगा, हमने जम्मू कश्मीर को सुरक्षित। भाइयों बहनों, हम जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कमिटेड लोग, बहुत हो गया, अब यहां पर जम्मू कश्मीर में विकास होना चाहिए। मैं आज बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के युवाओं का रोजगारी का मुख्य आधार पर्यटक है, टूरिज्म। 2023 में 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए, 2 करोड़ से ज्यादा। और फारूक साहब, आप जब मुख्यमंत्री थे, सारे सालों का टोटल करते हैं तो 2 करोड़ नहीं होता है, इतना हम एक साल में पर्यटक लेकर आए हैं। मगर मुझे पूंछ, रजौरी और पहाड़ी वाले बताइए, पहलगांव सब जाते हैं, यहां कोई आता है क्या? अरे जोर से बोलिए, आता है क्या? क्यों नहीं आता? बर्फबारी यहां पर भी होती है, ठंड यहां पर भी है, पहाड़ यहां पर भी है, जंगल यहां पर भी है, यहां क्यों नहीं आता? जरा जोर से बोलो। क्योंकि आपके साथ भेदभाव किया गया है, हमने तय किया है कि पूंछ, रजौरी, डोडा में 2 पर्यटन शहर नए बनाएंगे, जहां दुनिया भर का पर्यटक यहां, यह अधिकार है आपका, इससे कोई रोक नहीं सकता। जैसे रोड पहुंचना अधिकार है, लाइट पहुंचना अधिकार है, यह आपका अधिकार है। मुझे बताओ भाइयों बहनों,
ये अब्दुल्ला साहब बड़ी बड़ी डिंगे मारते हैं। अब तक 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलता था क्या? जोर से बोलो, मिलता था क्या? अब तक 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिलता था क्या? अब तक घर में पीने का पानी मिलता था क्या? सारा पैसा कहां गया? कहां गया? कहां गया? ये 3 परिवार खा गए हैं। ये बुखारी साहब जैसे पायस व्यक्ति को चुनकर भेज दीजिए, आपका चौकीदार बनकर बुड़ऊ बैठेंगे। मैं बताता इनकी आयु जो है, मैं आपको कहता हूं सुरनकोट वालों, ये इनको मैं भी वरिष्ठ आदमी मानता हूं, उनका सीधा मेरे साथ रिश्ता है, ये मानकर चलिए आप सीधा रिश्ता। आपके हितों का चौकीदार बनाकर बुखारी साहब को भेजिए, बुखारी साहब यहां विकास लाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, इन लोगों ने युवाओं के हाथ में किताबों की जगह लैपटॉप की जगह पत्थर पकड़ाए, मशीन गने पकड़ाए। और मैं आज कहना चाहता हूं, मशीन गन तो हम जरूर पकड़ाएंगे युवाओं के, बंदूक हम भी पकड़ाएंगे, मगर दहशतगर्दी की नहीं। ये पहाड़ी वादियों में सेना और हमारे सुरक्षा बलों के स्पेशल कैंप लगाकर भर्ती करेंगे। हमारे युवा जो अब तक दहशतगर्दी की बंदूक पकड़कर बैठे थे, वो बंदूक पकड़कर देश की सुरक्षा करेंगे और पाकिस्तान के हाथ दो दो हाथ करेंगे। भाइयों बहनों, ये नरेंद्र मोदी सरकार, हमने जम्मू से पूंछ जिले तक नेशनल हाईवे 144 ए को लंबा कर पहाड़ का जीवन सरल किया है। सुरनकोट में सड़कें दुरुस्त की जा रही हैं, मगर अब 50 की भी आबादी है, वो सभी टोलों की सड़कों से जोड़ने का काम हम आने वाले दिन में करने वाले हैं। सुरनकोट से बफलियाज तक बनने वाला हाईवे सीधे पीर की गली को आपके साथ जोड़ेगा, जिससे पूरा देश का पर्यटन यहां पर आएगा। सुरनकोट में हमने डिग्री कॉलेज बनाई है, सुरनकोट में बना खेल स्टेडियम हमारे लिए नए मौके लाने वाला है और जम्मू कश्मीर को सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी एजेंडा लेकर भी आई है। यहां पर जो मेरे पहाड़ी भाई बहन बैठे हैं, गुर्जर बकरवाल बैठे हैं, सुनकर रखे, बुखारी साहब को जिता दीजिए, घर की हर सबसे बड़ी आयु वाली महिला को मोदी जी सालाना 18,000 रुपया उसके